भीमा कुंजाम जो कि प्लेटून नंबर 34 का डिप्टी कमांडर था, छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से 8 लाख का इनामी था। उसने आज डीआईजी सीआरपीएफ पर और मेरे सामने आत्मसमर्पण किया है। ये 2008 में बलांगीर रेलवे सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। 2011 में थाना प्रभारी किरंदुल नागवंशी जी की हत्या में ये शामिल था, जिसमें कि 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद 2012 में जो सीआईएसएफ किरंदुल में जो हमला हुआ, जिसमें 5 सीआईएसएफ के कर्मचारी शहीद हुए थे, उसमें ये शामिल था। 2012 में मडेंडा में एंटी लैंडमाइन ब्लास्ट किया गया था, उसमें ये शामिल था। 2017 में बुरकापाल में जो हमला हुआ था, जिसमें 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें ये प्लेटून नंबर 24 की तरफ से यहाँ बलांगीर से वहाँ गया था। उसमें आपको ज्ञात होगा वहाँ प्लेटून नंबर 24 के डिप्टी कमांडर जो देवा था वो मारा गया था, नक्सलियों की गिरफ्त में आया था। ये लगातार बलांगीर क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से एक्टिव रहा था। ये एफजेडसी चैतुका और गणेश बीके के सिक्योरिटी दलम में भी 3 साल काम किया था। ये कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी इसने बटालियन 1 में हिड़मा के साथ दक्षिण बस्तर जाके 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और 3 दिन की ट्रेनिंग की थी। ये नक्सलियों के साथ जाके माड़ में, अबुज माड़ में जाके भी इसने 1 महीने की ट्रेनिंग की थी। ये शुरू से आर्म्ड नक्सल काडर में रहा है। इसकी पत्नी भी गंगी जो कि बलांगी एरिया कमेटी सदस्य थी, 5 लाख की इनामी थी, जिसको सुकमा पुलिस ने पिछले साल दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया था। उस टाइम भी ये पुलिस को चकमा देके भागने में सफल रहा था। ये अभी कोटाली और बुर्गुम में जो सड़क निर्माण चल रहा था, उसमें करीब 150 नक्सली मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लगातार रेकी कर रहे थे। उसका रेकी का प्रभार गुंडाधूर और सुमरू बलांगी एरिया कमेटी सचिव को दिया गया था। और ये जवेली रेवाली के बीच में लगे कट ऑफ पार्टी लगा रहा था, जिसमें कोई भी डीआरजी का मूवमेंट अरणपुर कुआकोंडा के बीच में हो तो ये लोग एडवांस अलर्ट कर पाए। हाँ, इसके आत्मसमर्पण से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना को टालने में हमें सफलता मिली है और हमें काफ़ी इन्साइट्स मिला है किस तरह नक्सली एम्बुश लगाते हैं, किस तरह नक्सली टीसीओसी में कार्यरत रहते हैं। और इसके मदद से कुछ बड़े माओवादियों को आत्मसमर्पण करने की हम कोशिश करा रहे हैं। या तो बड़े माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे या फिर पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे जाने की उम्मीद है।